हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर इंटरनेट और नेटवर्क से रिलेटेड बहुत ही लंबे समय के बाद आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 7। दोस्तों, आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही कम मिला है, इसी वजह से क्लास को हम डिले कर रहे थे। तो आज लंबे टाइम के बाद थोड़ा सा क्लास लेके आए हैं आप लोगों के बीच। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा नेटवर्किंग मॉडल। इससे पहले हमारी 6 क्लासेज आ चुकी हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके उन क्लास को आप देख लीजिए, ताकि आपको आगे की क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, नेटवर्किंग मॉडल की बात अगर हम करें तो ये क्या होता है? दोस्तों, नेटवर्किंग मॉडल जो होता है आपका, नेटवर्किंग मॉडल कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है। यानी कि सेंडर कौन होता है? कोई भी डेटा को भेजने वाला होता है, और रिसीवर क्या होता है? उस डेटा को रिसीव प्राप्त करने वाला होता है। यानी कि सेंडर और जो रिसीवर है ना, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन को स्थापित करता है, कनेक्शन को मेंटेन एस्टैब्लिश करता है और उनको सुचारू रूप से, ठीक है, चलाता है, तो वो कौन चलाता है? नेटवर्किंग मॉडल। यानी कि क्या करता है ये, सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, रिसीवर के बीच में कनेक्शन को स्थापित करेगा ये, एवं सुचारू रूप से चलाएगा उसको, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, आप समझोगे कि आते ही क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ समझाया ही नहीं, सुचारू रूप से चलाता है। तो इसके बारे में आप देखो, मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, ये थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, जो सेंडर और रिसीवर होते हैं ना, उनको जो कनेक्शन भेजते हैं, जो डेटा भेजते हैं, उसको ये अनुमति प्रदान करता है डेटा को ट्रांसफर की, ठीक है। आप ये कह सकते हो ये अनुमति प्रदान करता है, किस चीज की अनुमति प्रदान करता है? डेटा ट्रांसफर की, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाता हूँ, डेटा ट्रांसफर करने की मतलब क्या है। यानी कि जब आप यहाँ पे बैठे हो, आप किसी को मेल करते हो, किसी के पास कोई मैसेज भेजते हो, कोई डेटा भेजते हो, तो वो डेटा जाता कैसे है, उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कैसे होके जाता है वो डेटा, उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम एक दूसरे से बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग के द्वारा, वो कैसे हो पाती है, आज मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश पहुँचा रहा हूँ, वो कैसे आ रहा है आप लोगों के पास, आप कैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं इतनी दूर बैठे बैठे, वो आपके घर के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर कैसे आ रहा है, वो सारा का सारा नेटवर्किंग का मॉडल है दोस्तों। नेटवर्किंग मॉडल का कमाल है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्किंग मॉडल के द्वारा ही आपके पास सही डाटा सही तरीके से अच्छे टाइम के अंदर आपके पास सुचारू रूप से आता है, ठीक है। और इसकी जो परमिशंस होती है, वो आपको अनुमति जो प्रदान करता है, वो नेटवर्किंग मॉडल ही करता है। नेटवर्किंग मॉडल के द्वारा ही हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, अगर नेटवर्किंग मॉडल नहीं होगा तो हम किसी भी तरह का कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे वो एक छोटी सी ईमेल ही क्यों ना हो और चाहे आपकी वो वीडियो ही क्यों ना हो। अगर आप मेरे पास से, जैसे हम आपकी कोई वीडियो देखते हैं या आप हमारी कोई वीडियो देखते हैं, मैं जैसे किसी और की वीडियो देखता हूं या फिर कुछ और, जैसे मैं मैसेज भेजता हूं किसी के पास, तो वो सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? अगर ये नेटवर्किंग मॉडल है तो इसी की वजह से पॉसिबल है, इसी के साथ ही ये सारी चीजें डेटा भेजने के अंदर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के द्वारा या एक यूजर दूसरे यूजर तक डेटा भेजने के लिए सक्षम हो पाता है। आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब भी डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए। अब देखो दोस्तों, ये नेटवर्किंग जो मॉडल होता है ना, ये दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका OSI मॉडल, कौन सा होता है? OSI मॉडल, और एक होता है आपका TCP/IP मॉडल, TCP और IP मॉडल। ये दो मॉडल होते हैं जिनके ऊपर आपका नेटवर्किंग मॉडल काम करता है। हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो किसी भी इन दोनों में से किसी एक तरीके से ही डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं ये क्या है, इसका मतलब है दोस्तों, अब देखो OSI का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये जो चीजें आपको मैं करवा रहा हूं, ये शायद क्लास में मैंने कभी ना करवाई हो, क्योंकि क्लास के अंदर लिमिटेड टाइम होता है और उस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को इतना लेंथी सिलेबस करवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो चीजें हैं आजकल के एग्जाम में आने लगी है, पहले अभी तक शायद मैंने नहीं करवाई, इतने एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आते नहीं थे, अब आजकल जो एग्जाम है उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं। यहां पर देखो TCP का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। और IP का मतलब है दोस्तों यहां पे इंटरनेट
प्रोटोकॉल। और आईपी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर हरियाणा पुलिस के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे सभी एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो मेल कांस्टेबल का हो, चाहे वो फीमेल कांस्टेबल का हो, और चाहे वो आईआरबी का हो, सभी एग्जाम्स से यहां से क्वेश्चन जरूर आए थे दोस्तों, वहां पर अगर आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे हम थोड़ा अच्छे से। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं सबसे पहले ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं ओएसआई मॉडल का काम क्या है। दोस्तों ये क्या करता है, यानी कि नेटवर्क के ऊपर, यानी कि जो भी हम नेटवर्किंग है, हमारी नेटवर्किंग के अंदर जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसके लिए अगर मैं बात बताना चाहूं आपको, तो नेटवर्किंग्स के लिए डेटा को ट्रांसफर करने के लिए लेयर का एक स्ट्रक्चर है, यानी कि लेयर का एक ढांचा है जो डेटा को कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करता है। अब इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको दोस्तों, अनुमति प्रदान करता है। अब देखो यहां पे मतलब क्या है, यानी कि जो हम डेटा भेज रहे हैं ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, उसके लिए कुछ लेयर्स बनाई गई हैं भी, आपको जैसे कुछ लेयर का ढांचा बना दिया गया, एक स्ट्रक्चर बना दिया गया लेयर का, कि ये 7 लेयर हैं, उन 7 लेयरों का अलग अलग काम डिवाइड कर दिया गया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, कि ये काम करना है। तो ये लेयर का एक ढांचा है जो क्या करता है, डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि डेटा को जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ भेजते हैं, हम दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, तो उस वार्तालाप की अनुमति को प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका काम किसका है, ओएसआई मॉडल का। अब ओएसआई मॉडल की बात करूं तो इसको कब बनाया गया, इसको बनाया गया दोस्तों ओएसआई मॉडल को आईएसओ के द्वारा, आईएसओ के द्वारा, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल को आईएसओ के द्वारा बनाया गया, यानी कि आईएसओ का मतलब क्या है, यहां पे है आईएसओ का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, ठीक है, थोड़ा सा शब्दों की तरफ मत जाना, मेरी भावनाओं की तरफ जाना, ठीक है। तो भावनाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो मैं आप लोगों को जो समझाने की भावना प्रकट कर रहा हूं तो उसको समझने की कोशिश करना, यानी कि इसका मतलब क्या है, ओएसआई को बनाया है आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने, और इसने इसको डिजाइन कब किया है, 1984 के अंदर इसको डिजाइन किया था, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसको डिजाइन ओएसआई ने, ओएसआई को आईएसओ ने किया था, तो इसको इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आईएसओ, यानी कि ओएसआई आईएसओ रेफरेंस मॉडल, रेफरेंस मॉडल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओएसआई आईएसओ रेफरेंस मॉडल किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ओएसआई मॉडल को ही कहा जाता है। ओएसआई मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन रेफरेंस मॉडल, ठीक है दोस्तों। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको आईएसओ ने बनाया, कब बनाया, 1984 के अंदर बनाया, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। अब हम ओएसआई मॉडल की अगर बात करें तो ओएसआई मॉडल की टोटल कितनी लेयर है, इसकी टोटल आपकी 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स। अब इन 7 लेयर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा ट्रिक के साथ बताएंगे। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो ये जो 7 लेयर है, इन 7 लेयर्स को याद करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। वैसे तो आपको याद नहीं होंगी ये, क्योंकि ये आपकी जो इनका सीरीज है वो सीरीज थोड़ी सी आपकी गड़बड़ा जाती है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक के साथ बता देता हूँ। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, ऑल प्यूपल्स सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो ये अगर आपने सुनी है तो इससे आपकी जो 7 लेयर्स हैं वो पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट तैयार हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल प्यूपल्स
सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे ये सारी के सारी किसके बारे में बताता है हमें, ये हमारी जो OSI मॉडल की 7 लेयर्स है उसके बारे में बताएगा, यानी कि OSI मॉडल की जो आपकी 7 लेयर हैं उनके बारे में हमें बताता है ये। तो 7 लेयर की हम बात कर रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनका ऊपर से नीचे क्रम क्या आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर से नीचे क्रम लिखूंगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑल पीपल का मतलब है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। यहां पे क्या है, पीपल का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन TATION प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा लाइट चल रहा है, चेंज कर लेते हैं। यहां पे इसका मतलब है सेशन लेयर, सेशन लेयर। इसका मतलब है यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। यहां पे इसका मतलब है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। इनका फर्स्ट वर्ड उठा के देखोगे तो आपको एन से पता लग जाएगा। यहां पे डी का मतलब यहां पे है डेटा लिंक लेयर, और यहां पे पी का मतलब है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। देखो एक पी का मतलब है प्रेजेंटेशन लेयर और एक पी का मतलब है फिजिकल लेयर। अब इसका जो क्रम है ना, ये ऑल पीपल से यहां से पहला आता है ऊपर से, ठीक है। ऊपर की अगर मैं बात करूं ऊपर से पहला आता है, लेकिन हम बात करें सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो फिर आपसे पूछा जाता है सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो ये आपकी सबसे फर्स्ट लेयर है, क्योंकि नीचे से हम मानते हैं फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर नीचे से मानते हैं, तो इसको मैं लोवेस्ट लेयर भी बोल सकता हूं भाई। क्या बोल सकता हूं, लोवेस्ट लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर कह सकते हो या फिर आप लोवेस्ट लेयर कह सकते हो। मार्कर एक और था, ओके, दूसरा मार्कर ले लिया दोस्तों मैंने थोड़ा सा। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, यानी कि फोर्थ वाली क्या होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये मिडल में होगी, सबसे सबसे बीच में होगी। तो इसको मैं कौन सी लेयर बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ मिडल लेयर। कौन सी बोल सकता हूँ भाई, मिडल लेयर, क्लियर है। और ये आपकी सबसे टॉप में हो गई, सबसे ऊपर हो गई, तो इसको हम बोलते हैं टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर। क्लियर है ना, आवाज क्लियर आ रही है। इसके बाद आप इसको ये भी बोल सकते हो, ये लोएस्ट है तो ये टॉप होगी, ये फर्स्ट है तो ये लास्ट बोल सकते हो आप, लास्ट लेयर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो ये आपकी कुछ मैंने लेयर्स के नाम लिखवाए हैं, आपको याद कैसे रखना है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो इससे आपको पूरी की पूरी सीरीज याद हो जाएगी, क्योंकि आपको ये सीरीज में याद रखनी है, अगर आप ऐसे आगे पीछे कर दोगे तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको सीरीज में याद करेंगे, सीरीज से ही हमारा बेनिफिट होगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड लेयर कौन सी है, थर्ड लेयर कौन सी है, या मिडिल लेयर कौन सी है, या फिफ्थ लेयर कौन सी है, या सिक्स्थ लेयर कौन सी है, या फिर लास्ट या टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है। तो इस तरीके से आप इन सेवंथ लेयर को याद रख सकते हैं। एक बार जल्दी से आप इसका कमेंट सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं भूल गया दोस्तों, थोड़ा सा भी बता देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेने से एक बार थोड़ा सा ये और नोट कर लेना। ये जो तीन लेयर होती है ना ऊपर वाली, ठीक है, ये जो ऊपर वाली तीन लेयर है, ये आपकी क्या करती है, आपको सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं, यानी कि आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। इंटरफेस प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या है, आपको एक माध्यम प्रोवाइड करवाती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। और ये जो पहले वाले तीन लेयर हैं, इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। क्या बोलते हैं इनको, हार्डवेयर लेयर। और जो ये बीच वाली लेयर रह गई, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हार्डवेयर लेयर भी है और ये सॉफ्टवेयर लेयर भी है, ठीक है। तो ये मिक्सअप है, ये हार्डवेयर लेयर भी है और सॉफ्टवेयर लेयर भी है, और ये आपकी सिर्फ सॉफ्टवेयर लेयर है और इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर, क्लियर है। तो इनके बारे में थोड़ा सा अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी फिजिकल लेयर है वो फिजिकल लेयर क्या होती है। तो जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं जल्दी। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल लेयर के बारे में। तो फिजिकल लेयर के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो डेटा होता है, इसके अंदर डेटा तीनों माध्यमों के अंदर होता है। अगर मैं तीनों माध्यमों की अगर बात करूं डेटा की, तो वो होता है आपका तीनों माध्यमों के अंदर होता है फिजिकल लेयर, तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो तीनों माध्यमों के अंदर
जिम्मेवार होता है। सबसे पहला कौन सा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद आपका रेडियो सिग्नल। इसके अलावा आपका एक और सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, एक रेडियो सिग्नल होता है और एक और सिग्नल होता है, अभी थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया, एक मिनट में याद आ जाएगा तो बता देंगे। उसके बाद देखो इसके अंदर और क्या होता है, इसके ऊपर कौन कौन काम करता है? इसके ऊपर जो रिपीटर होता है, रिपीटर, और जो आपका हब होता है, रिपीटर हो गया या फिर आपका हब हो गया या फिर आपकी केबल्स हो गई, जैसे इथरनेट हो गया, ठीक है, इथरनेट केबल्स, ठीक है, इथरनेट केबल जो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया करवाया था उसके अंदर आपको बताया था कि आपकी जो डेटा होता है वो आपके दो तरीके से भेजा जा सकता है, एक वायरलेस और एक आपका केबल्स के द्वारा, ठीक है। तो केबल्स के द्वारा सबसे पहले मैंने आपको बताया था इथरनेट केबल के बारे में, याद होगा आपको। तो रिपीटर और हब मैंने आपको नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर करवाए थे। तो ये आपके ऐसे उपकरण हैं जो किसके ऊपर काम करते हैं? फिजिकल लेयर के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं भैया? फिजिकल लेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और ये काम क्या करती है फिजिकल लेयर? ये डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है भाई? डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करती है। बिट्स का मतलब क्या है? 0-1 के रूप में ये डेटा को क्या करती है? कन्वर्ट करती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको भी बताया था कि तीन सिग्नल के ऊपर काम करता है ये, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, एक रेडियो सिग्नल होता है और एक आपका जो थर्ड सिग्नल है वो होता है लाइट सिग्नल, ठीक है, लाइट सिग्नल। तो ये आपकी फिजिकल लेयर के बारे में था। तो फिजिकल लेयर का काम क्या है? ये तीनों माध्यमों के ऊपर काम करती है और इसके ऊपर रिपीटर, हब और इथरनेट केबल जैसे उपकरण काम करते हैं और ये आपका डेटा को क्या करती है? बिट्स में कन्वर्ट करती है। तो इसका ये काम है, कौन सा है? फिजिकल लेयर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करेंगे। फिजिकल के बाद मैंने आपको बताया था, जैसे आप थोड़ा सा यहां पर याद रखेंगे, ऑल प्यूपल्स सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये आपकी फिजिकल लेयर बताई थी मैंने, फिजिकल लेयर। ये आपकी बताई थी मैंने डेटा लिंक लेयर। ये आपकी मैंने बताई थी नेटवर्क लेयर। ये आपकी बताई थी मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर। ये आपकी बताई थी मैंने सेशन लेयर। ये आपकी बताई थी मैंने प्रेजेंटेशन लेयर। और ये आपकी मैंने बताई थी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो इस तरह से 7 लेयर बताई थी। अभी हमने फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ा, जिसको हम हार्डवेयर लेयर भी कहते हैं, जिसको हम फर्स्ट लेयर के नाम से भी जानते हैं और ये डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करती है, आपको ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सेकंड है डेटा लिंक लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो डेटा लिंक लेयर, इसका काम क्या है? जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जो आपकी फिजिकल लेयर थी वो बिट्स के अंदर डेटा को कन्वर्ट करती थी। ये उसी बिट्स को क्या करेगा? ये बिट्स को क्या करती है? ये एनकोडिंग के लिए, बिट्स को एनकोड और डिकोड करने का काम करती है। सबसे बड़ा काम इसका जो है, एक तो ये होता है, ये बिट्स को क्या करती है? एनकोड और डिकोड करने का काम करेगी। इसके अलावा जो भी फिजिकल लेयर से त्रुटियां हुई है, जो भी गलतियां हुई है, उसको एरर को क्या करेगी? ये एरर को चेक करेगी, ठीक है। एरर चेकिंग कैपेबिलिटी है इसके पास, कैपेबिलिटी, यानी कि जो भी फिजिकल लेयर से गलतियां हुई है तो उनको क्या करेगी? उनकी एरर चेकिंग कैपेबिलिटी को ठीक करेगी, उनको चेक करके बताएगी, ठीक है। उनको उसको क्या करेगी? एरर चेकिंग को, कैपेबिलिटी को, उसको ठीक भी करेगी और उसको फाइंड भी करेगी, ठीक है। दूसरा ये काम है इसका। इसके बाद मैं बात करूं इसकी डेटा लिंक लेयर की, तो इसके ऊपर जो काम करते हैं डिवाइसेज, जो डिवाइसेज इसके ऊपर काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? इसके ऊपर जैसे ब्रिज है आपका और स्विच है आपका, तो ये आपके ऐसे डिवाइस हैं जो आपकी डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद डेटा लिंक लेयर से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, डेटा लिंक लेयर जो होती है ना, इसकी दो सब लेयर हैं, ठीक है। इसकी जो सब लेयर हैं वो दो हैं, तो इसकी सब लेयर कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैं बात करूं, एक होती है इसकी MAC और दूसरी होती है इसकी LLC। यानी कि MAC और LLC होता क्या है? कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो MAC का मतलब यहां पे है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और LLC का मतलब है दोस्तों लॉजिकल लिंक कंट्रोल।
अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि MAC क्या होता है और LLC ये क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, MAC का मतलब क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। प्रत्येक सिस्टम जो होता है ना, प्रत्येक कोई भी सिस्टम है, प्रत्येक सिस्टम का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है भाई। क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है प्रत्येक सिस्टम का, और उस यूनिक एड्रेस की सहायता से ही हम सिस्टम को पहचान सकते हैं कि ये वो सिस्टम है जिसके ऊपर हमने डेटा भेजा है, या इसने कुछ भी ऐसा मटेरियल भेजा है जो आपका कानून के विरुद्ध है, ठीक है। यानी कि जो हैकर्स होते हैं वो किसी सिस्टम को हैक करते हैं, तो किसी के बारे में पता करना है कि कौन इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है या किसने ऐसी सूचना फैलाई है, तो वो किसके द्वारा पता चलता है, वो सारी सारी आपकी इस यूनिक एड्रेस के द्वारा पता चलती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यानी कि MAC क्या होता है, प्रत्येक सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो वो आपका क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। ये काम क्या करता है, मैक एड्रेस, इसका काम क्या है भाई, जिस कंप्यूटर को जो भी डेटा भेजना है ना, उसी को कंप्यूटर को नियंत्रित कर लेगा, उसी को अपने कंट्रोल में ले लेगा, उसी के पास डेटा भेजेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर मान के चलो मुझे भेजनी थी ईमेल किसी और के पास, किसी बंदे का मैंने एड्रेस लिख दिया, अब जैसे 2 के अंदर मैंने कोई भी एकेडमी या कोई भी इंस्टीट्यूशंस का मैंने कोई मेल करनी थी, मैंने उसका एड्रेस लिख दिया, कुछ भी जो उसका एड्रेस था, एक यूनिक एड्रेस था, अगर मैं उस यूनिक एड्रेस के ऊपर मेरी मेल चली जाती है, तो उसके ऊपर कौन है निर्भर, कौन डिपेंड करता है, वो ये काम करता है। अगर मान के चलो मैंने एड्रेस किसी और का डाला, किसी और के पास चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो भी काम कर रहे हैं उस सही एड्रेस के ऊपर नहीं जा रही, उसके पीछे रीजन क्या है कि इसका काम अच्छे से न करना। तो इसका काम क्या है, ये उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस सिस्टम को पहचाने कि जिसके लिए वो डेटा है, और उसके पास उसको क्या कर देगी, ये कंट्रोल करके उस डेटा को ट्रांसफर कर देगी। तो इसका काम आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। अब देखो यहां पे LLC का काम क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल का काम क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, फिजिकल लेयर जो होती है ना, वो डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करती है। ये क्या करेगा, जो डेटा बिट्स में कन्वर्ट हुआ है, उससे पहले क्या होता है, डेटा यानी कि ये फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है ये डेटा को, ठीक है। डेटा को क्या करेगा, ये फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देगा डेटा को, और ये जो फ्रेम्स में क्या करता है, डेटा को फ्लो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो भी डेटा है उस डेटा को फ्लो कंट्रोल करता है, या फिर उस डेटा को क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो डेटा को फ्लो कंट्रोल करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, उस डेटा को फ्रेम्स में क्या करता है, ये कन्वर्ट करके आगे डेटा को ट्रांसफर कर देता है। क्लियर है? आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ज्यादा इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। एक बार जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी सेकंड लेयर थी। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड लेयर के ऊपर, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। उसके बाद देखो आगे दोस्तों, हम थर्ड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, थर्ड लेयर के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड लेयर कौन सी है आपकी, नेटवर्क लेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, नेटवर्क लेयर। तो मैंने आपको बताया पहली तीन जो लेयर है वो आपकी हार्डवेयर लेयर है, ठीक है। नेटवर्क लेयर, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सा डिवाइस काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया था आपको, राउटर जो होता है ना, वो राउटर इसी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो राउटर क्या करता है, इसी नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या काम होता है, यानी कि जो भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है, इनकी डेटा पैकेट्स जो होते हैं, डेटा पैकेट्स की जो राउटिंग होती है वो इसी लेयर के ऊपर होती है। यानी कि जो भी डेटा पैकेट्स है उसको कहाँ भेजना है, ठीक है, वो डेटा पैकेट्स का रूट, जो रूट डिसाइड करने का काम होता है वो कौन करता है, सारा का सारा नेटवर्क लेयर करती है। तो राउटर का काम मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने राउटर के बारे में बता रखी है, और वही जो राउटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वही सारी की सारी सेम चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। इसके अलावा और इसका काम क्या है, इसका काम दोस्तों देखो, जो भी एरर है उस एरर की हैंडलिंग का काम है, एरर हैंडलिंग। कोई भी एरर है, कुछ भी एरर की मिस्टेक है, तो उसको हैंडल करके उसको मिस्टेक को कंजुगेट करेंगे, यानी कि इसको ठीक करके आगे डेटा ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा हम इसका एक लाइन में ये कह सकते हैं भाई, इसका काम है टू एंड फ्रॉम का, भाई जो भी एड्रेस जहां से आया है वो चेक करना है, और फ्रॉम जिसके पास भेजना है वो चेक करना है, क्या वो प्रॉपर मात्रा में सही है या कुछ गलत है। तो टू एंड फ्रॉम का मतलब क्या है, इसके अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको चेक करना है भाई, क्या वो ठीक है या उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है, वो उसके ऊपर मेंशन है या नहीं है। भाई जो आपका नेम एड्रेस किसके पास हमें डेटा भेजना है, वो एड्रेस उसके ऊपर होना भी तो चाहिए ना, तो वो एड्रेस ये चेक करके बताती है कि आपने ये एड्रेस डाला है या नहीं डाला, किसके पास जाना है, किससे आया है, ये सारी चीजें। तो ये काम किसका था, नेटवर्क लेयर का। दोस्तों इसके बाद हम, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आगे की जो चार लेयर है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हम, जो नेटवर्क वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को अगली एक क्लास और लगेगी, उस क्लास के अंदर नेटवर्क कंप्लीट होगा, फिर हम शुरू करेंगे दोस्तों इंटरनेट अभी तक शुरू नहीं किया है, अभी इसकी ये क्लास 7 है, और 8 वीडियो में जाके आपका लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा लंबी वीडियो मैं
इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मैंने एक एक घंटे की भी वीडियो बना के देखी है, आप लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो मिला मुझे। इसी वजह से मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि इतनी लंबी वीडियो होने के बावजूद भी आप लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया आप लोगों को, फिर भी आप लोग जुड़ नहीं रहे। इसी वजह से मैं इन वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आप लोग कम टाइम के अंदर छोटे छोटे पार्ट में इन वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप अपनी राय और सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो एक बार कोशिश कीजिए, पीछे की वीडियो देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए भी तैयार हूं और आप लोगों से डायरेक्ट लाइव चैट के लिए भी तैयार हूं। क्योंकि आपने देखा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी और आपको ग्रुप लिंक भी मिलेंगे। वहां पे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।